अवज़ुबल मिन शैतम बिस्मर रबिशर सदरी अमरी बिखरे मोती हिस्सा अव्वल उम्मत मोहम्मदिया पर तीन बातों का खौफ एक हदीस में आप सल्ला वसलम ने इशाद फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत पर तीन बातों का खौफ है अव्वल ये कि माल बहुत मिल जाए जिसकी वजह से आपस में हसद मुबतला हो जाए और कुछ तो खून करने लगे दूसरी ये कि अल्लाह की किताब सामने खुल जाए यानी तर्जुमे के जरिए हर आमी और जाहिल भी उसको समझने का मुद्दा ही हो जाए और उसमें जो बातें समझने की नहीं हैं, यानी मुतशाबहत उनके माने समझने की कोशिश करने लगे हालांकि इनका मतलब अल्लाह ही जानता है तीसरी ये कि उनका इल्म बढ़ जाए तो उसे जया कर दें और इल्म को बढ़ाने की जस्तजू छोड़ दें मारफुल्कुर हर बला से हिफाजत मोसनत बज़ार में अपनी सनत के साथ हजरत अबू हुरैरा रजी अल्ला से रिवायत है कि रसूल सल्लाम ने फरमाया कि शुरू दिन में आयतुल कुर्सी और सूर मोमिन की पहली तीन आयतें हामीम से इलाहिल मसीर तक पढ़ लें वो उस दिन हर बुराई और तकलीफ़ से महफूज रहेगा उसको तिरमिज़ी ने भी रिवायत किया है और जिसकी सनत में एक रावी मुतकल्लम फ़ी है दुश्मन से हिफाजत अबू दाऊद और तिर्मिजी में बसनाद सही हज़रत महल्लब बिन अबी सफ़रा रज़ी अल्लास रिवायत है उन्होंने फरमाया कि मुझसे ऐसे शख्स ने रिवायत की जिसने खुद रसूल सुना है कि आप किसी जिहाद के मौके पर रात में हिफाजत के लिए फ़रमा रहे थे कि अगर रात में तुम पर छापा मारा जाए तो तुम हामीम लाय सरून पढ़ लेना जिसका हासिल लफ्ज़ हामीम के साथ ये दुआ करना है कि हमारा दुश्मन कामयाब न हो और कुछ रिवायतों में हामीम लायन सरून बग़ैर नून के आया है जिसका हासिल ये है कि जब तुम हामीम कहोगे तो दुश्मन कामयाब न होगा इससे मालूम हुआ कि हामीम दुश्मन से हिफाजत का किला है इब्ने कसीर एक अजीब वाकया हज़रत साबित बिनानी अलैह फरमाते हैं कि मैं हज़रत बिन जुबैर रज़ी अनु के साथ कोफे के इलाके में था मैं एक बाग के अंदर चला गया कि दो रकात पढ़ लूँ मैंने नमाज से पहले हामीम अलमोमिन की आयतें इलिया हिल मसीर तक पढ़ी अचानक देखा कि एक शख्स मेरे पीछे एक सफ़ेद खच्चर पर सवार है जिसके बदन पर यमनी कपड़े हैं उस शख्स ने मुझसे कहा कि जब तुम गाफिर फिर जम्बी कहो तो उसके साथ ये दुआ करो या गाफिर फिर म्बि फिर ले या गाफिर फिर जम्बि फिर ले यानी या या ए गुनाहों के माफ़ करने वाले मुझे माफ़ कर दे और जब तुम पढ़ो काबिल तोबी तो यह दुआ करा करो या शदीदल ला لا यानि यानी सख्त इताब वाले मुझे अजाब न दीजिए हो और जब जिद तौली पढ़ो तो यह दुआ किया करो या जद तौली तलअलै ब ख़ैरन यानी ए इनाम और एहसान करने वाले मुझ पर इनाम फरमा साबित बिनानी रहमत ला कहते हैं कि यह नसीहत उससे सुनने के बाद जो उधर देखा तो वह कोई ना था मैं उसकी तलाश में बाघ के दरवाजे पर आया लोगों से पूछा कि एक शख्स यमनी लिबास में यहाँ से गुजरा है सब ने कहा कि हमने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा साबित बिनानी, रहमत ला की एक रिवायत में यह भी है कि लोगों का ख़्याल है कि ये इलियास अलैहिस्सलाम थे दूसरी रिवायत में इसका ज़िक्र नहीं हैारिफ़ अकुरान या हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा मल की तोफ़ी अतः फरमा या अल्लाह मज़लूम फ़िलिस्तीनियों की कश्मीरियों की रोहिंग्या मुसलमानों की और मुसलमान जहाँ भी परेशान हाल हैं ालिमों के ल्म का शिकार हैं या अल्लाह उनकी भरपूर मदद फरमाइए हम सब को अपनी इस्तात के बक़दर अपना हक़ अदा करने वाला बनाइए या अल्लाह आप हमारे जाहिर को भी अच्छा कर दीजिए हमारे बातिन को भी अच्छा बना दीजिए बुख्स हसद जलन की ना तकबारी हमारे दिलों से निकाल दीजिए या अल्ला जो मांगा वो भी अता कर दीजिए जो भूल गए हों अपने फ़ल्ल करम से फरमाइए रब बना तकब्बल मन्ना इन्नाकमअली बरहती रहामीन ला इला महमदर रसूल असल वरम्ह वबरकू